अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ आप लोग को आ रही है? यस मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। आई आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें, रिकॉर्डिंग भी वो डिस्टर्ब ना हो। जी तो स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है, और हमारा जो टॉपिक है वो है सीपेज थ्योरीज। सीपेज थ्योरीज के अंदर हमने लास्ट टाइम जो है ब्लीच थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों थ्योरीज के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है? जी तो दोनों थ्योरीज के दरमियान जो है डिफरेंस क्या है कि ब्लीच ने कहा था कि हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप है, इस लेंथ ऑफ क्रीप से मुराद, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जितना सीपेज वाटर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है इंट्री से लेकर एग्जिट तक, उस टोटल लेंथ को हम कहते हैं क्रीप लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू ब्लीच हमारे पास जो टोटल क्रीप लेंथ है वो हमारे पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, तो हमारे पास वो टोटल डिस्टेंस जो है कहलाता है क्रीप लेंथ, ठीक है। जबकि लेंथ ने कहा कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल क्रीप है वह ज़्यादा जो है इफेक्ट जो है बनिस्बत सॉरी जो वर्टिकल क्रीप है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत हॉरिजेंटल क्रीप है, यानी कि हमारे पास जो हॉरिजेंटल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है। तो कितना लेस इफेक्टिव है, किस तरीके से लेस इफेक्टिव है, तो उसको आज जो है हम पढ़ेंगे। जी तो ब्लीच इन हिस्ट्री हैड कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द क्रीप बाय सिंपली एडिंग द हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ एंड वर्टिकल क्रीप लेंथ, देयर बाय मेकिंग नो डिस्टिंक्शन बिटवीन न्यू टू क्रीप्स। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ब्लीच ने हम जो थ्योरी पेश की थी ब्लीच क्रीप थ्योरी, तो उसने के अंदर उसने जो क्रीप लेंथ कैलकुलेट किया था, तो उसने जो है जो हॉरिजेंटल क्रीप है हमारे पास और वर्टिकल क्रीप लेंथ है, दोनों लेंथ के दरमियान जो है कोई फर्क जो है वाजे नहीं किया। उसने कहा कि दोनों जो है एक ही है, ठीक है, और जो है जो हॉरिजेंटल क्रीप है वो हमारे पास जो है जो सीवेज वाटर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मूव करता है उसको उसने हॉरिजेंटल क्रीप लेंथ का नाम दिया, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में सीपेज वाटर मूव करता है उसको उसने वर्टिकल क्रीप का नाम दिया। हाउ एवर लेन ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस कैरीड आउट ऑन अबाउट 200 डैम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिपुलेटेड दैट द हॉरिजॉन्टल क्रीप इज लेस इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट और इन कॉजिंग लॉस ऑफ हेड देन द वर्टिकल क्रीप। जबकि दूसरी तरफ लेंथ ने जो है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एनालिसिस, जो कि उसने जो है तकरीबन 200 डैम्स के ऊपर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है किए थे एनालिसिस, तो वो जो है ये स्टिपुलेट करता है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्ट जो है इन रिड्यूसिंग द अपलिफ्ट और कॉजिंग लॉस ऑफ हेड देन द वर्टिकल क्रीप, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है इतना इफेक्टिव नहीं है लॉस ऑफ हेड को कॉज करने में जितना हमारे पास वर्टिकल क्रीप है, यानी कि वर्टिकल क्रीप जो है लॉस ऑफ हेड ज्यादा कॉज करता है बनिस्बत हॉरिजॉन्टल क्रीप के। ही देयरफॉर सजेस्टेड अ वेटेज फैक्टर ऑफ 1/3 फॉर द हॉरिजॉन्टल क्रीप एज अगेंस्ट 1 फॉर द वर्टिकल क्रीप, और इसी वजह से उसने जो है ये सजेस्ट किया कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो 1/3 टाइम्स जो है, यानी कि 3 टाइम्स लेस इफेक्ट जो है देन दी वर्टिकल क्रीप, यानी कि आपके पास जो है अगर वर्टिकल क्रीप जो है 1 टाइम है तो जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है तो वो 1/3 टाइम उसके होगा, यानी कि आप वो 1/3 के ऊपर डिवाइड करेंगे उसको, 3 के हॉरिजॉन्टल क्रीप को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो
उतना क्रीप जो है हमारे पास जो है उतना लॉस ऑफ हेड जो है वो हॉरिजॉन्टल क्रीप हमारे पास जो है कॉस्ट करता है। सो जो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप था फिर अकॉर्डिंग टू लेंथ वेटेड क्रीप थ्योरी एल इज इक्वल टू एल एच डिवाइडेड बाई 3 + LV। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो लेस इफेक्टिव है, और कितना लेस इफेक्टिव है, 3 times लेस इफेक्टिव है। तो उसने जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है एल एच, जिसको हम एल एच से डिनोट करते हैं, उसको डिवाइड बाई 3 किया, और एल वी को जो है उसी तरह रहने दिया क्योंकि वो जो है मेजर था इन कॉजिंग द लॉस ऑफ हेड। अगेन फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक टेबल है। ए के ऊपर जो है पानी जो है सीपेज वाटर जो है इंटर हो रहा है, और बी के ऊपर जो है वो आउट हो रहा है। सो ये डैश लाइन आपको शो कर रहा है सीपेज पाथ को जो ट्रेवर्स करेगा आपके पास सीपेज वाटर बीनीथ द स्ट्रक्चर। दस फ्रॉम द फिगर द टोटल क्रीप लेंथ एल एल इज गिवन बाय एल एल इज इक्वल टू d1 + g2 + l1 / 3 + d2 + g2 + l2 / 3 + d3 + d3। जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो 3 times लेस इफेक्टिव है, तो जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है L1 और L2, यहाँ पर उन्होंने उसको जो है 3 से डिवाइड किया, ठीक है, L2 / 3 एंड L1 / 3, जबकि जो वर्टिकल क्रीप है उसने उसको उसी तरह रहनी है। ये आपके पास d1 ये वाला एक डिस्टेंस है, एक d1 ये, सो d1 + g1 + l1 / 3 + g2 + g2 + l2 / 3 + d3 + d3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है 1/3 कॉमन है इसमें, सो 1/3 into L1 + L2 + 2 times d1 + g2 + d3। यहाँ पर आपके पास जो L1 + L2 है ये आपके पास टोटल विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर के बराबर है, जो कि b से हम डिनोट करते हैं। तो L1 + L2 = b, सो L = LL, दैट इज टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी इज इक्वल टू 1/3 into b + 2 times d1 + g2 + d3। सो इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आप जो है बीनीथ द स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। अगेन आपके पास जो है जो लॉस ऑफ हेड है बिटवीन टू पॉइंट्स, एक आपके पास लॉस ऑफ हेड ये है इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, एक जो है आपके पास जो है लॉस ऑफ हेड इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है। सो दो लॉस ऑफ हेड के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है अगर आप उसको किसी लाइन से ज्वाइन करते हैं तो उसको हम जो है हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन कहते हैं। अच्छा, आपके पास जो है अगेन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सीपेज है उसकी वजह से हमारे पास टू टाइप ऑफ फेल्योर जो है आ सकते हैं। एक जो है सेफ्टी, ठीक है, एक जो है अंडरमाइनिंग था, दूसरा जो था हमारे पास डायरेक्ट अपलिफ्ट था। तो अकॉर्डिंग टू ब्लीस हमने पढ़ लिया था कि हमने इन के अगेंस्ट सेफ्टी किस तरह जो है अचीव करनी है। अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी हमने जो है अगेंस्ट पाइपिंग और अंडरमाइनिंग सेफ्टी किस तरह जो है अचीव करनी है। To ensure safety against piping, according to this theory, the length of the creep length LL must not be less than C1HL, where HL is the head causing flow and C1 is the lens creep coefficient given in table. According to lens theory, safety against piping or undermining को ensure करने के लिए उसने formula दिया कि LL आपके पास जो है वो कम नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी लेस देन C1HL, ये फॉर्मूला उसने दिया C1HL, ठीक है। HL इसमें जो है आपके पास हेड है जो कि फ्लो कॉज कर रहा है, और C1 आपके पास जो है लेंस क्रीप कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यूज इस टेबल के अंदर गिवन है। डिफरेंट सॉइल्स के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के लिए डिफरेंट C1 की वैल्यूज गिवन है। सैंड के लिए, फाइन सैंड के लिए और सिल्ट के लिए C1 की वैल्यू 8.5 है, फाइन सैंड के लिए 7 है, कोर सैंड के लिए 5 है, ग्रेवल और सैंड के लिए 3.5 टू 3 है, बोल्डर्स ग्रेवल एंड सैंड के लिए 2.5 टू 3 है, और क्ले सॉइल्स के लिए 3 to 1.6 है। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज HL ओवर LL इज देन इक्वल टू 1/C C1
हमारे पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है फ्रॉम दिस फॉर्मूला एज एल एल इज इक्वल टू सी वन एच एल सो एच एल डिवाइड एच एल डिवाइड बाई एल वन इज इक्वल टू वन ओवर सी वन सो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो एच एल ओवर एल है ये आपके पास जो है तब जो है आपके पास सेफ होगा आपके आपने जो है ये देखना है कि आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है लेस देन आपके पास जो है सी वन ओवर सी हो यानी कि आप जो एच एल डिवाइड बाई एल एल की वैल्यू आप फाइंड करेंगे सो आपने ये देखना होगा कि उसकी वैल्यू आपके पास वन ओवर सी वन से फॉर अ गिवन सॉइल आपके पास उसकी वैल्यू कम हो अगर आपके पास उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपने जो है क्रीप लेंथ को इंक्रीज करना है क्रीप लेंथ को आप इंक्रीज कर लेंगे सो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आपके पास जो है कम हो जाएगी एंड आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी फॉर अगेंस्ट सेफ्टी और इसकी जो सेफ्टी है अगेंस्ट पाइपिंग और माइनिंग वो इंश्योर होगी सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर जो है सेम फॉर्मूला एज इन ब्लीच थ्योरी इसके अंदर भी हमारे पास जो सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर है वो फॉर्मूला जो है सेम ही है जिस तरह हमने ब्लीच थ्योरी के अंदर जो है डिराइव किया था ठीक है फॉर सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट सो वो आप उसके अंदर देख ले दोबारा Using Bliss creep theory and related lens weighted creep theory, uplift pressure at any point under the pressure under the structure can be calculated by using a formula. Uplift pressure beneath the structure, Bliss theory को और lens weighted creep theory को आप use करेंगे और uplift pressure किसी भी point के ऊपर beneath the structure जो है आप find करना चाहते तो आप जो है ये formula use कर सकते हैं जो कि है यू ए इज इक्वल टू एच इंटू वन माइनस एल ए डिवाइडेड बाई एल इसके अंदर आपके पास जो यू है ये आपके पास जो है रेजिजुअल अपलिफ्ट प्रेशर है एच पॉइंट ए ए से मुराद ये है कि कोई भी पॉइंट ए है आपके पास बीनीथ द स्ट्रक्चर कोई भी पॉइंट उसको हमने ए से नाम दिया तो यू ए मीन्स के आपके पास अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट ए की वैल्यू ये फॉर्मूला आपको देगा एच जो है आपके पास टोटल अपलिफ्ट प्रेशर है एट द अपस्ट्रीम साइड यानी कि आपके पास जो टोटल हेड है अपस्ट्रीम साइड के ऊपर आपके पास जो है पानी का हेड कितना है सो आपके पास जो है टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट द अपस्ट्रीम साइड आएगा एल ए आपके पास क्रीप लेंथ है अप टू पॉइंट ए जब सीपेज स्टार्ट करता है यानी कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है और जो पॉइंट हमने एज्यूम किया है पॉइंट ए सो वहां तक जितना सीपेज वाटर ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वहां तक जो डिस्टेंस है उसको एल ए से डिनोट किया और एल आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ ऑफ दी स्ट्रक्चर है सो ये वैल्यू पुट करके आप इजीली किसी भी पॉइंट के ऊपर बीनीथ द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू ब्लीच क्रीप थ्योरी और लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आप जो है अपलिफ्ट प्रेशर जो है आप फाइंड कर सकते हैं इसके ऊपर जो है अब हम एक एग्जांपल करेंगे स्टेटमेंट है एग्जांपल की फाइंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड द हेड एट पॉइंट जी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर स्टैटिक कंडीशन द वाटर परकोलेट्स एट ए एंड एग्जिट्स एट बी एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ठीक है हमने जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है फाइंड करना है एट द हेड एट पॉइंट डी जो है वो हमने फाइंड करना है स्ट्रक्चर का वाटर जो है पॉइंट ए के ऊपर जो है इंटर होता है और बी के ऊपर जो है एग्जिट करता है ठीक है पॉइंट ये आपके पास जो है पॉइंट डी है इस पॉइंट डी के ऊपर हमने जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट जो है ओवरऑल हमने फाइंड करना है और इस पॉइंट डी के ऊपर हमने जो है हेड फाइंड करना है टोटल जो आपके पास अब स्ट्रीम साइड के ऊपर जो हेड है वो आपके पास 6 मीटर के बराबर है ए से आपके पास ये आपके पास आउटर शीट पाइल है ये आपके पास जो है इंटरमीडिएट शीट पाइल है और ये आपके पास भी आउटर शीट पाइल है ठीक है या आपके पास ये फर्स्ट शीट पाइल है ये सेकंड शीट पाइल है और ये थर्ड शीट पाइल है ये इस शीट पाइल के दरमियान और शीट पाइल के दरमियान जो टोटल ओरिजिनल डिस्टेंस है वो 10 मीटर के बराबर है
सेकंड शीट पाइल और थर्ड शीट पाइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर के बराबर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पॉइंट ए और पॉइंट डी के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 15 मीटर के बराबर है। शीट पाइल ए यानी कि जो पहला शीट पाइल है उसका टोटल जो हाइट है वो 5 मीटर है, थिकनेस ऑफ द फ्लोर आपके पास जो है 2 मीटर है। सेकेंड शीट पाइल का टोटल हाइट जो है आपके पास 3 मीटर है, और जो आखिरी थर्ड पाइल है उसका जो टोटल हाइट है वो 7 मीटर है और जो थिकनेस ऑफ द फ्लोर है अगेन यहाँ पे 2 मीटर है। सबसे पहले हम जो है ब्लीच स्क्रिप्ट थ्योरी को यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है टोटल क्रीप लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे। तो टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू ब्लीच स्क्रिप्ट थ्योरी LC इज इक्वल टू 2 + 5 × 2, ठीक है। ये आपके पास जो है टू डिस्टेंस आपके पास ये हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता है, ये आपके पास जो है स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये आपके पास फ्लोर का टॉप लेवल है, तो यहाँ से जो है इंटर करेगा और यहाँ से जो है मूव करके इधर यहाँ तक आएगा, ठीक है। सो आगे पास 2 मीटर ये हो गया, ठीक है। फिर आपके पास जो ये वाला हाइट है ये 2 टाइम्स है, पानी यहाँ से आएगा यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, सो 2 × 5, ठीक है। 2 × 5 × 2 प्लस उसके बाद जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो 10 मीटर के बराबर है। ये आपके पास जो है शोर है फर्स्ट शीट पाइल के दरमियान और सेकंड शीट पाइल के दरमियान टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है। उसके बाद जो है 2 × 3, एक ये एक साइड एक ये साइड, सो आपके पास अगेन 3 × 2 प्लस उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपके पास जो है 20 मीटर के बराबर है शीट पाइल 2 और 3 के दरमियान, सो +20 प्लस अगेन आपके पास जो शीट पाइल नंबर 3 है उसका जो टोटल हाइट है वो 7 मीटर है, सो एक साइड ये है एक साइड ये है, सो 2 साइड है शीट पाइल के, सो 2 × 7, ठीक है। अगेन 2 × 7 और यहाँ पर जो है एग्जिट करेगा, सो 2 मीटर जो है आप इसके साथ ये ऐड कर ले, सो ये सारे डिस्टेंसेस आपके ऐड कर ले, सो यू विल गेट टोटल क्रीप लेंथ LC इज इक्वल टू 64 मीटर। सो इससे आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ की वैल्यू आ गई जो कि बराबर है आपके पास 64 मीटर के। अब आपने इससे जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के आपके पास जो है फॉर्मूला जो है आपके पास HL डिवाइडेड बाय L के बराबर है। HL की वैल्यू आपके पास जो है गिवन है क्वेश्चन में, वो आपके पास जो है ये है 6 मीटर है, ठीक है। टोटल आपके पास जो हेड है ओनली अपस्ट्रीम साइड आपके पास 6 मीटर के बराबर है। LC आपके पास टोटल ग्रिप लेंथ है जो कि अभी हमने फाइंड किया 64 मीटर, सो 6 / 64 विल गिव यू दी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दैट इज इक्वल टू 1 / 10.6। Now, according to Bliss table, the structure is safe on gravel and sand, but not on coarse sand and fine sand. 1 / 10 की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है। और जो अकॉर्डिंग टू ब्लीस थ्योरी जो उसने टेबल दिया था डिफरेंट सॉइल के लिए उसने सी की वैल्यू दी थी, सो 1/c की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सो जिन 1/c की वैल्यू से ये 1/10.6 की वैल्यू कम होगी, तो उस उन सॉइल के ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेफ रहेगा। अदरवाइज अगर 1/ जो HL/L की वैल्यू है अगर 1/c से ज्यादा है तो आपका स्ट्रक्चर उन सॉइल्स के ऊपर जो है अनसेफ है। क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी LCD इज इक्वल टू, अब जो है चूंकि हमने जो है जो हेड है 8.D वो फाइंड करना है, सो LCD तक जो क्रीप लेंथ 8.D है वो हम फाइंड कर लेंगे। सो पॉइंट डी तक आपके पास जो क्रीप लेंथ है वो आपके पास बराबर है 2 + 2 × 5 + 10 + 2, आपके पास ये भी आता है, ठीक है। सो +15 + 2 × 3, ठीक है। ये आपके पास जो है टोटल डिस्टेंस आ गया, ये आपके पास टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 आ गया, 2 × 3 आ गया, 2 × 5 और ये 2 डिस्टेंस, सो आपके पास ये पॉइंट डी आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल क्रीप लेंथ है अप टू पॉइंट डी आपके पास 33 मीटर बनता है। नाउ आपने जो है रेसिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर हेड जो है वो फाइंड कर लेना है एट पॉइंट डी। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड करने के लिए आपने ये फॉर्मूला यूज करना है जो कि है यू इज इक्वल टू एच इन टू 1 - L / L, ठीक है।
इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है, क्योंकि पॉइंट डी के ऊपर हम रेसिडुअल अपव्यय प्रेशर जो है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है फॉर्मूला आ जाता है यू डी इज इक्वल टू डेल्टा एच इंटू वन माइनस एल सी डी डिवाइडेड बाई एल सी। इसमें एल सी डी आपके पास जो है क्रीप लेंथ अप टू पॉइंट डी है, एल सी आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ है, डेल्टा एच आपके पास जो है टोटल हेड है ऑन द अपस्ट्रीम साइड, ठीक है। वैल्यूज पुट कर ले, डेल्टा एच आपके पास जो है 6 मीटर के बराबर है, ठीक है। एल सी डी आपने अल्टी कैलकुलेट किया यहाँ पे 33 मीटर के बराबर है और टोटल क्रीप लेंथ 64 मीटर के बराबर है। वैल्यूज पुट कर रहे, सो यू विल गेट द टोटल रेसिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 2.9 मीटर। सो इतना हेड आपके पास जो है अपलिफ्ट प्रेशर हेड जो है आपके पास एट पॉइंट डी के ऊपर जो है वो कॉज हो रहा है। अब चूंकि हमने जो है एच डी जो है वो फाइंड करना है, दैट इज हेड एट पॉइंट डी फाइंड करना है। So the thickness of the floor at point D should be sufficient to resist the residual uplift pressure. If HD is the unbalanced head at point D, then HD is equal to UD minus elevation of point D minus elevation of downstream floor. ठीक है, हमारे पास जो thickness of floor है किसी भी point के ऊपर वो sufficient होना चाहिए ताकि हमारे पास जो residual uplift pressure है उसको जो है वो resist कर सके। जैसा शुरू मैंने कहा कि आपके पास जितना भी uplift pressure है वो आपके पास जो है आपका जो स्ट्रक्चर का वेट है वो रिजिस्ट करता है, उसका काउंटर बैलेंस उसको करता है। तो जितना आपके पास थिकनेस ज्यादा हो सफिशिएंट होगा तो उतना आपके पास जो आप रेसिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर है वो आपके पास जो है उसको रिजिस्ट करेगा। एच डी चूंकि हमारे पास अनबैलेंस्ड हेड है तो पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास जो है एच डी जो है वह हमारे पास बराबर हो जाता है यू डी, that is uplift pressure at point D minus elevation of point D minus elevation of downstream floor. Elevation of point D or elevation of downstream floor हमारे पास जो है, चूंकि हमारे पास जो point D है, ये आपके पास point D है. Elevation of point D or elevation of downstream floor चूंकि दोनों same distance के ऊपर है, ठीक है? ये point D जो है, on the surface of downstream floor के ऊपर है, so that's why दोनों की वैल्यू एक दूसरे से अगर आप माइनस करेंगे सो आपके पास जो है जीरो आता है, क्योंकि दोनों जो है सेम पॉइंट के ऊपर है। सो दैट्स व्हाई यूडी आपके पास जो एचडी है वो उसकी वैल्यू आ जाती है यूडी माइनस जीरो। यूडी की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया जो कि 2.9 है, सो वो पुट कर ले, सो एचडी की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2.9 मीटर। नोट है point D is at the same level of downstream floor, so that's why it is elevation of point D minus elevation of downstream floor is equal to zero. Now अब हमने जो है thickness of the floor को जो है वो find करना है, so the thickness of the floor TD at point D should be HD divided by G minus one. जो thickness है TD point D के ऊपर जो है आपके पास जो है जो टोटल थिकनेस है वो आपके पास बराबर होना चाहिए एच डी डिवाइड बाई जी माइनस वन के। इसमें जी जो है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कंक्रीट फ्लोर मटेरियल है, लेट हमने वो एज्यूम किया कि वो हमारे पास 2.24 के बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करें टी डी इज इक्वल टू एच डी डिवाइड बाई जी माइनस वन। एच डी आपके पास जो है 2.9 मीटर के बराबर है, जी आपके पास 2.24 के बराबर है, तो इससे आपके पास जो है एच डी टी डी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज थिकनेस ऑफ द फ्लोर एट पॉइंट डी जो कि 2.34 मीटर के बराबर है। सो इतना थिकनेस आपने जो है एट पॉइंट डी जो है वो प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट दिस अपलिफ्ट अनबैलेंस हेड एट पॉइंट डी, दैट इज एच डी इज इक्वल टू 2.9 मीटर। सो इस तरीके से आपने ब्लीस थ्योरी को यूज करके क्रीप प्लेन कैलकुलेट करना है, हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन जो है कैलकुलेट करना है, सॉरी हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट कैलकुलेट करना है और उसके थ्रू आपने जो है उसको टेबल्स के साथ ब्लीच टेबल के साथ कंपेयर करके उसको चेक करें कि आपके पास आया आपके गिवन सॉइल के ऊपर जो है आपका स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं। फिर आप जो है ये अगला फॉर्मूला यूज करके आप जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप लिफ्ट प्रेशर फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है थिकनेस ऑफ द फ्लोर उस पॉइंट के ऊपर भी फाइंड कर सकते हैं। अब यही एग्जांपल जो है हम लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी के ऊपर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी हम जो है अब क्रीप टोटल क्रीप लेंथ फाइंड करेंगे। सो हमारे पास जो है जो रिजल्टल क्रीप है सॉरी जो टोटल क्रीप है वो अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी बराबर है टू, ये आपके पास वर्टिकल है 2 + 2 × 5, एक साइड ये है एक साइड ये है, सो 2 × 5
ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और अकॉर्डिंग टू क्रीप थ्योरी, लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप है वो 3 times लेस इफेक्टिव है. सो 10 / 3 करेंगे प्लस 2 × 3 अगेन 20 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल क्रीप है और ये 3 times लेस इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी. और प्लस आपके पास जो है 2 × 7 जो है ऐड करेंगे और प्लस ये 2 ऐड करेंगे. सो इससे आपके पास जो है टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आ जाएगा जो कि आपके पास बराबर है 44 मीटर के. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ है 10 और 20 मीटर उसको जो है ऐड करके 3 से डिवाइड किया गया है. अब जो है हम टोटल जो आपके पास जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो कैलकुलेट करेंगे. सो HL डिवाइड बाय LH डेल्टा H आपके पास 6 मीटर के बराबर है और टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी आपके पास 44 मीटर है. सो 6 डिवाइड बाय 44 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 7.3. सो अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी जो एक लेंस ने जो टेबल प्रोवाइड किया था आपका जो स्ट्रक्चर है वो फाइन सैंड के ऊपर जो है सेफ है क्योंकि वेरी फाइन सैंड के ऊपर आपके पास जो है अनसेफ है. नाउ अब हम जो है F2.D जो है क्रीप लेंथ जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो अकॉर्डिंग F2.D आपके पास जो टोटल क्रीप लेंथ है वो आपके पास बराबर है 2 + 5 × 2 = 2 + 2 × 5 + 5 = 15/3 प्लस आपके पास 2 × 3 अगेन आपके पास यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 15 इसको आप 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पर इन्होंने इसको डिवाइड किया 15/3 चूंकि अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी आपके पास जो हॉरिजॉन्टल क्रीम है वो 3 times लेस इफेक्टिव है. सो इस तरीके से आपने टोटल क्रीम लेंथ F2.D फाइंड करना है जो कि 23 मीटर के बराबर आता है. अब आपने वही फॉर्मूला जो रेजिडुअल अपलिफ्ट प्रेशर हेड का फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है जो कि है UD is equal to delta H into 1 minus LWCD divided by LWC. LWCD आपके पास जो है lens weighted creep length है up to 2.D और LWC आपके पास total creep length है according to lens weighted creep theory up to जो पूरा creep length है sorry. Delta H आपके पास 6 meter के बराबर है so values put करें. डेल्टा एच सिक्स के बराबर है, एल सी डब्ल्यू डी आपके पास 23 और एल सी डब्ल्यू सी आपके पास 24. सो आपके पास जो टोटल अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट डी आता है वो आपके पास 2.86 मीटर के बराबर आता है. इसी फॉर वैल्यू को यूज करके आप टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर कैलकुलेट करें. सो टी डी इज इक्वल टू एच डी डिवाइड बाई जी माइनस 1. एच डी आपके पास 2.86 मीटर के बराबर है. जी आपने हमने एज्यूम किया कि हमारे पास 2.24 के बराबर है, माइनस 1 करें. सो आपके पास टोटल थिकनेस ऑफ द फ्लोर अकॉर्डिंग टू लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी की वैल्यू आ जाती है जो कि 2.3 मीटर के बराबर है. सो इस तरीके से आपने जो है लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी को यूज करनी है, टोटल क्रीप लेंथ कैलकुलेट करना है, अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है और थिकनेस ऑफ द फ्लोर कैलकुलेट करना है. यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीट हो गया है. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें. जी साजिद अली कोई क्वेश्चन है सर? द लेंथ ऑफ सिंगल पॉइंट पे ये बस स्क्रीन में शो कर देना है मालूम नहीं आवाज सही नाराजी लगती जो है सर था सो वलिन संग पॉइंट को जमा स्क्रीन में शो के जमा तो मार्कर को दिया में जॉइन करो वो सब दर्ता ने शो की गई वो शो की गई सर फराजे बारे में मैंने शो टोटल क्रीप लेंथ यस सर. ओके दोबारा दर्ता खेम दा मुसरा से कब ने फिगर दे ठीक शो टोटल क्रीप लेंथ संगबा कैलकुलेट का वही ठीक शो दाता सारा ए पॉइंट दे ठीक शो दाता सारा बी पॉइंट दे यस सर. ए पॉइंट माने ऊपर से कब ने सीपेज वाटर एंटर कई पर बी पॉइंट माने एग्जिट कई ए पॉइंट के ऊपर एंटर हो रहा है बी पॉइंट के ऊपर जो है एग्जिट हो रहा है. सो आपके पास जो है ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर के बराबर है ठीक है. फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है जो शीट पाइल ए 1 है इसका जो टोटल हाइट है वो 5 मीटर है. सो इसके जो है आपके पास जो है दो साइड है, एक साइड ये है एक साइड ये है. सिमिलरली शीट पाइल 2 है कि आपके पास जो है दो साइड है, एक ये और शीट पाइल 3 के भी दो साइड है, एक ये साइड और एक आपके पास जो है ये 2 मीटर हाइट है.
हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वन और टू पाइल के दरमियान वो 10 मीटर है, और टू और थ्री पाइल के दरमियान वो 20 मीटर है। सो आपने जो है क्या किस तरह इसको कैलकुलेट करना है कि आपके पास जो है 2 मीटर ये है, फिर आपके पास जो है 5 मीटर ये है, पानी यहाँ से आएगा यहाँ तक जो है ट्रेवल करेगा, यहाँ से जो है ये ऊपर यहाँ पर आएगा, सो फिर आपके पास जो है 5 मीटर ये बन जाता है। सो 2 + 2 × 5 ये 5 आपके पास 2 टाइम्स आ जाता है, प्लस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास जो है 10 मीटर के बराबर है, प्लस ये आपके पास 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, यहाँ से पानी आएगा यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से जो है ऊपर जाएगा, फिर इस तरह ट्रेवल करेगा, सो 2 × 3 और फिर आपके पास जो है ये 20 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपके पास जो है 7 मीटर ये डिस्टेंस है, फिर 7 मीटर ये डिस्टेंस है, सो 2 × 7 और आखिर में आपने जो है ये 2 मीटर उसके साथ ऐड कर लेना है। ये सारे जो डिस्टेंसेज हैं ये आपने ऐड कर लेने हैं, सो यू विल गेट द टोटल क्रीप लेंथ अकॉर्डिंग टू इट्स क्रीप थ्योरी। अकॉर्डिंग टू लेंथ वेटेड क्रीप थ्योरी हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 10 मीटर और 20 मीटर इनको आपने सिर्फ डिवाइडेड बाय 3 करना है, बाकी जो है आपने वही ब्लीच क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने जो है जिस तरह उसने कैलकुलेट किया था इसी तरह आपने लेंथ वेटेड क्रीप थ्योरी में भी इसको उसी तरह कैलकुलेट करना है। सिर्फ फर्क ये है कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको आपने जो है 3 से डिवाइड करना है। सर 10 और 3 को डिवाइड टू जी 10 और 20 को 3 बाय डिवाइड टू जी सिर्फ लेंथ थ्योरी के। हां सही है सर, लेंथ थ्योरी में आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है फिगर में आपको शो हो रहा है, ठीक है फिर आपके पास लेंस अकॉर्डिंग टू लेंस थ्योरी सिर्फ आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको आपने जो है 3 से डिवाइड करना है, वर्टिकल डिस्टेंस को आपने नहीं डिवाइड करना है। क्लियर है? ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर जी जी सर जी द अपलेट कंप्रेसर चिकमेदा सिर्फ डीप पॉइंट पर लगी सर जी जी पॉइंट माने सिर्फ मुंगा मालूम हो क्वेश्चन के मुंगा की होने चे सिर्फ पॉइंट डी बाने फाइंड की बाकी था उसका मैं प्रीवियस लेक्चर की वीडियो चिदा पर स्टार्ट पॉइंट बाने मैक्सिमम ही और जो सुमरा डिस्टेंस ट्रेवल की तो दा अपने प्रेशर जो है कमीगी पर एंड बाने मुंसरा मिनिमम भी। ओके सर थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं।